हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज का मॉडल बनाया गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेसिस्टेंस होता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है। अगर हम इस चार रेसिस्टेंस को एक स्क्वायर के रूप में अगर जोड़ दें तो बीच वाले में अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो उसमें कोई करंट नहीं आता है। तो उसी का हम लोग एक प्रैक्टिकल के तौर पर देखने के लिए हम यहाँ पे सेम वाट वाला चार बल्ब लगाए हैं और बीच में गैल्वेनोमीटर की जगह ये बल्ब लगाए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या ये हम जैसे ही सप्लाई देंगे इसमें तो क्या ये चार बल्ब जलने के बाद ये पांचवा नहीं जलेगा, वो देख लेंगे। और इसमें करंट यानी कि नहीं आना चाहिए, अगर करंट नहीं आएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये मॉडल जो है बना हुआ है, यहाँ पे रेसिस्टेंस की जगह हम लोग 100 वाट वाला बल्ब यूज किए हैं। तो ये जो मॉडल बनाया गया है ये हमारे इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट पुनीत कुमार ठाकुर के द्वारा बनाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिशियन के हैं स्टूडेंट। तो आइए हम इस मॉडल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सप्लाई देंगे। जैसे ही सप्लाई देंगे कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चार बल्ब में जो है लाइट आ रहा है, चार बल्ब से लाइट आ रहा है, चारों जल रहा है, लेकिन ये बीच वाले में नहीं आ रहा है। इसमें इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि जब ये हम लोग चार रेसिस्टेंस या चार बल्ब को जोड़ेंगे तो बीच वाले तार में कोई भी करंट नहीं आएगा, यही कहलाता है मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये मॉडल से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पर भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये चारों लोड होना चाहिए लगा हुआ और चारों लोड सेम है, देख रहे हैं, यानी कि बीच वाले में कोई करंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे बल्ब खोल दे लगा दे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये है मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज।